हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेम कुमार और आप सब देख रहे हैं मछली घर। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे पास न्यू स्टॉक आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को उसे अरेंज करके दिखाता हूं कि कौन कौन सा फिश आया हुआ है। काफ़ी मात्रा में इस बार मेरे पास फिश आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टैंक कवर कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोगों को बताना है ये कौन सी फिश है। देख सकते हैं आप, अच्छे से देख लीजिए ये कौन सी फिश है, वाइट वाली। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। इसमें पीछे साइड में आप देख रहे होंगे, ये इसे प्लेटी मोली बोला जाता है। नेक्स्ट टैंक में चलते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे रेड कैप है, लगभग 4 से 5 इंच की साइज में है। नेक्स्ट टैंक में चलते हैं, तो ये हमारे पास है स्मॉल गोल्ड फिश है। नेक्स्ट टैंक में चलते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे एंजल फिश है, पिकॉक एंजल जिसे बोला जाता है, और ये मार्बल एंजल। नेक्स्ट टैंक में चलते हैं, तो इसमें भी गोल्ड फिश की मीडियम साइज की वैरायटी है, और ये सुबांकिंग की स्मॉल साइज की वैरायटी है। फिर नेक्स्ट टैंक में चलते हैं हम लोग, ये भी गोल्ड फिश की वैरायटी है, मीडियम साइज की। नेक्स्ट टैंक में चलते हैं, तो ये देख रहे होंगे इसमें मिल्की कार्प और स्मॉल कोई है। नेक्स्ट टैंक में अब चलते हैं हम लोग, तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग मिक्स मॉली है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसमें जाइंट मोली है, काफ़ी बड़ी साइज की होती है। पानी थोड़ा गंदा हो गया, उस कारण से सही से आ नहीं पा रहा है। तो नेक्स्ट टैंक में देख रहे होंगे इसमें चिकलेट की वैरायटी है, ब्लू आइस चिकलेट, बनाना चिकलेट वगैरह है इसमें मिक्स है। नेक्स्ट टैंक में चलते हैं, तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग ग्रीन जेब्रा फिश है, ये स्मॉल ग्रीन जेब्रा। ये ज़्यादा मात्रा में रहती है तो काफ़ी खूबसूरत लगती है, लगभग एक इंच की साइज में है। नेक्स्ट टैंक में भी वही है, येलो जेब्रा है और ग्रीन जेब्रा। कुछ पिंक जेब्रा भी है इसमें। नेक्स्ट में चलते हैं अब हम लोग, तो इसमें आप देख रहे होंगे गप्पी फिश है इसमें, कोबरा गप्पी जो आप लोग देख रहे होंगे, ये कोबरा गप्पी है और नॉर्मल गप्पी जो आता है। नेक्स्ट टैंक में चलता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं इसमें भी एंजल फिश है, पिकॉक एंजल, काफ़ी बिग साइज की है, और ये मार्बल एंजल देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी साइज की है। अब नेक्स्ट टैंक में चलते हैं हम लोग, तो ये नेक्स्ट फिश देख रहे होंगे आप, टेक्सास। ये फिश कुछ कुछ दिनों में कलर चेंज करती रहती है, ये टेक्सास,
और ये देख रहे होंगे ऑस्कर, और इधर भी एक टेक्सस है। नेक्स्ट टैंक में देख रहे होंगे आप लोग मोलिना कार्प या कोई भी बोला जाता है इसे, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। लगभग 50-60 पीस का मेरे पास अवेलेबल है अभी। नेक्स्ट टैंक में चलते हैं। इसमें गोल्ड फिश और सुबांकिंग मिक्स है, ये बिग गोल्ड है। ठंड के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इस तरह से इन लोग स्क्रैचेस पड़ जाती है। नेक्स्ट टैंक में चलते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इल फिश है। आप देख रहे होंगे ईल फिश है, थोड़ा टैंक गंदा हो चुका है इसके कारण से थोड़ा क्वालिटी नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट टैंक में चलते हैं। नेक्स्ट टैंक में देख रहे होंगे आप लोग, इसमें इम्पोर्टेड कोई है और कार्प जिसे बोला जाता है, इम्पोर्टेड बाहर से आया हुआ है। इसकी कलर की खूबसूरती काफ़ी अच्छी होती है, और ये फ्रंट में जो आप देख रहे होंगे ये सिल्वर सार, ये कोई काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। इसका रेट ज़्यादा होता है नॉर्मल कोई से। तो नेक्स्ट टैंक में आप देख रहे होंगे पैरोट है, और ये चिकलेट की वैरायटी। इन्हें खाने के लिए एक फिश दिया गया था, उसके कारण इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है ये। यहाँ पर ऑस्कर फिश है, देख सकते हैं आप। ऑस्कर और ये ज्वेल चिकलेट देख सकते हैं। ये पैर उठ रहा है। और नेक्स्ट टैंक में देख सकते हैं आप टिम्पल बार बोला जाता है, स्मॉल साइज बिग साइज दोनों साइज में है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, कौन सा फिश आपको सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।